नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5-3 एंड R x 6 Q इक्विडिस्टेंट है इट मींस PQ इक्वल्स टू QR या QP इज इक्वल्स टू QR QP ये डिस्टेंस और QR दोनों इक्वल होंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे QP या PQ भी हम कह सकते हैं x2-x1 होल स्क्वायर y2-y1 होल स्क्वायर QR x-0, 6-1 ये आ गया हमारे पास -5² -1+3, 4 सो 4² x² 6-1, 5² 25 नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या आया हमारे पास 25 + 16 x² + 25 स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा x² + 25 x² आ गया 41 - 25 सो x इज +-4 हमने x की वैल्यू फाइंड की +-4 क्या कहा है हमें फाइंड करने के लिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ x आ गई ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR QR की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड की है क्या है x² + 25 QR की हमने सॉल्व किया था ये आया अब x की दो वैल्यूज आई हैं +4 और -4 जब x 4 है जब x -4 है 4² = 16 + 25 - 4² = also 16 सो स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट्स आ गया हमारे पास QR अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस PR x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर x - 5 - -+6 + 3 9² इसके भी दो वैल्यूज होंगी जब x 4 है और जब x माइनस 4 है तो PR 4 - 5 होल स्क्वायर + 9² = 81 - 1² + 81 सो 1 + 81 √82 नाउ व्हेन x इज -4 - 4 - 5 9² - 9² + 81 सो 81 + 81 162 या हम कहें 81 हमने कॉमन ले लिया तो स्क्वायर रूट में बचा 1 + 1 √2 तो हमने PR की वैल्यू फाइंड की PR की दो वैल्यूज आई √82 81 √2 और हमारे पास QR की वैल्यू आई √41 नोट इट डाउन 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 आएगा 9² √2 नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy लेट इट बी P equidistant from the point let it as A and B. A or B point से equidistant है it means AP is equals to PB. Apply the distance formula x2 - x1 whole square y2 - y1 whole square x2 minus x1
x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या बचा हमारे पास, x-3 होल स्क्वायर प्लस y-6 होल स्क्वायर माइनस, टेक माइनस कॉमन, 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, a-b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a-b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का स्क्वायर प्लस, नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a-b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो सेम साइन के साथ सेम टर्म्स है कैंसिल हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, -6x -12y प्लस 36 प्लस 9, 6x -8y 16 प्लस 9। सेम टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, -6x -12y प्लस 8y प्लस 45 माइनस 25 इक्वल टू जीरो, -12x -4y प्लस 20 इक्वल टू जीरो, टेक -4 कॉमन, क्या बचा हमारे पास, 0 अपॉन -4 इज 0, तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और वी कैन से 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। रिलेशन मीन हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो x और y में आएगी।